मुझे यकीन है मिस्टर चोपड़ा कि ये प्रोजेक्ट आपकी कंपनी के लिए माइलस्टोन साबित होगा। श्योर। मेरी एसोसिएट मिस साशा ब्लूप्रिंट से लेकर आती होगी, मेरे साथ ये प्रोजेक्ट वही हैंडल कर रही है। मॉर्निंग मिस्टर चोपड़ा। गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा था आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। किनके बारे में? दैट गर्ल जिन्होंने उस दिन हमें प्रेजेंटेशन दिखाया था। हम चाहते हैं कि वही हमारे इस प्रोजेक्ट पर काम करें। अरे ये यही तो है, आप प्लीज बैठिए ना, खड़ी क्यों है? हम चाहते हैं कि यही हमारे प्रोजेक्ट पर काम करें। बट मिस्टर चोपड़ा, साशा एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट है और पिछले 5 साल से ये हमारी कंपनी में काम कर रही है और तकरीबन इन्होंने सारे प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं और मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट वो अच्छे से संभाल सकती है। नहीं नहीं मिस्टर खुराना, इस प्रोजेक्ट के लिए तो मिस गीत ही बेहतर रहेंगी। हमने काफी दिनों के बाद किसी के थॉट्स में इस तरह की फ्रेशनेस और क्लैरिटी देखी है। गुड जॉब मिस गीत, गुड जॉब। मिस्टर चोपड़ा, गीत इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। ये तो इस ऑफिस में एक कॉफी गर्ल है। कॉफी गर्ल? आई मीन सेक्रेटरी कम कॉफी गर्ल, यू नो। ये बेचारी तो ठीक तरीके से ऑफिस के काम भी नहीं कर पाती, एंड प्रपोजल प्रोजेक्ट। देखिए मिस, आप यहाँ इन्हें किसी भी नाम से बुलाती हो लेकिन इन्होंने हमारे प्रोजेक्ट की स्पिरिट को समझ लिया है। फिर चाहे ये क्वालिफाइड हो या ना हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहेंगे कि मिस गीत ही इस प्रोजेक्ट पर काम करें। बाकी आपकी मर्जी मिस्टर खुराना। सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट। सॉरी दादी जी, गलती मेरी ही थी। मान भैया ने तो मुझे बहुत समझाया था लेकिन मुझे ही पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट की तलाश थी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे शॉर्टकट की वजह से पुश्तों का ये बिजनेस एक पल में खत्म हो सकता है। मान भैया ने अच्छा किया मुझे घर से निकाल के, इनफैक्ट मैंने ही उन्हें मजबूर कर दिया था। लेकिन पता है दादी जी, पिछले 2 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा और सबसे बड़ी सीख पता क्या है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूं। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी दादी जी। ऑलवेज द चार्मर। पता नहीं हम हर बार आपकी बात मान क्यों लेते हैं जब हमें पता है कि आप सुधरने नहीं वाले। खैर देखिए आपका कौन इंतजार कर रहा है। We'll be right back.
आप दोनों बातें करिए, हम अभी आते। जी नयनतारा, I missed you so much. हम चाहते हैं कि यही हमारे प्रोजेक्ट पर काम करे। मिस्टर चोपड़ा, गीत इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। अगर मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया तो मुसीबतें और बढ़ जाएगी। मैं अभी जाकर मान को बता देती हूँ, है ना? क्लाइंट ने ये क्या डिमांड रखती है? गीत ये प्रोजेक्ट कैसे कर सकती है? वो ये प्रोजेक्ट करेगी तो फिर मान, ये तो क्या कर रहा है? ये सोचा भी कैसे जा सकता है कि गीत ये प्रोजेक्ट करे? नहीं, ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ साशा ही करेगी।